राजधानी देहरादून में ई रिक्शा संचालकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने शासनादेश करवाने के बाद भी सभी 2500 ई रिक्शा शहर के हाईवे पर चलने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद रिक्शा संचालकों की आजीविका पर खासा असर पड़ा है। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से अरशद खान की रिपोर्ट। रिक्शा चलाने की योजना रिक्शा चलाया था तो सरकार ने कहा था पेपरों में उछाला गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे चलाने के बाद सरकार ने लेडीजों को रिक्शे बांटे, आज क्या हो गया जो सरकार ने रिक्शे बंद कर दिए? क्या हो गया कि सरकार रिक्शे बंद करती जा रही है? रिक्शे नहीं चलेंगे। हम गरीब लोगों का क्या होगा? या तो हमें रोजगार दीजिए वरना हमें हमारा खाने का इंतजाम करिए। हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे, ऐप करेंगे, क्या करेंगे? सरकार ने तो कह दिया रिक्शा बंद करो, हमें रिक्शा चलाना है। जब बंद करना था तो करवानी। कहीं से भी प्रशासन अधिकारी हो, कोई भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेगा। जो रिक्शा सुचारू रूप से चल रहे थे, अखबारों में भी न्यूज दी जा रही है, वो उसी तरह से चले जाएंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। वो चालान हो रहे हैं, अपनी बात पे अटल रहे, रिक्शे बंद करें और सभी रिक्शों के जाए, सभी बेरोजगार भाइयों को, हमारे रिक्शे वालों को रोजगार दिया जाए, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, विकलांग लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज 6 दिन से किसी भी परिवार के किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, सभी लोग इसी। हमें अपनी मांगे यही चाहिए कि वापस हमारे रिक्शा दोबारा हमारे रोडों पर चलाए जाएं। अगर रिक्शा वाले गलत है तो उन पे आप अपना संचालन दोबारा से कर सकते हैं, अपने नियमों के अनुसार उन पे चालान कर सकते हैं। हम लोग इसलिए चीज के लिए तैयार हैं। इन्होंने एक नियम और निकाला था कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रोड पर रिक्शा नहीं चलेंगे, नो एंट्री हमारे लिए करी है। हम इनकी इस शर्त को भी मानते हैं, लेकिन रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक रोड पर कोई ऑटो हो, विक्रम हो, बस हो, मैजिक हो या ओला गाड़ी हो, हम भी चाहते हैं रात को 8 बजे सुबह 8 बजे तक वो रोड पर गाड़ी हमें नहीं दिखनी चाहिए। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।